नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित खासगीवाला, सेरेफिक डेंटल से। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि दांतों की सफाई या स्केलिंग कराने से हमें क्या फायदे या नुकसान होते हैं, क्या हमें ये कराना चाहिए या फिर ये नहीं कराना चाहिए। अगर हमारे दांतों पर डिपॉजिट है तो क्या वैसे डिपॉजिट ही रखें या ये सफाई कराएं, तो क्या इसके मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो कॉमनली सुनने में आता है, जो पेशेंट्स बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि क्या ये सफाई या स्केलिंग कराने से हमारे दांत घिस जाएंगे। जब हम दांतों के ऊपर जो इनेमल की कोटिंग होती है उसके ऊपर डिपॉजिट्स हो जाते हैं, उन्हीं को क्लीन करने की बात हम कर रहे हैं, तो क्या उन डिपॉजिट्स को क्लीन करने में हमारा इनेमल भी घिस जाएगा, दांत घिस जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो स्केलिंग होती है ये अल्ट्रासोनिक स्केलर से होती है। अगर आपके डेंटिस्ट के पास एक अच्छी अल्ट्रासोनिक मशीन है तो आपके दांतों का मटेरियल बिल्कुल भी नहीं घिसेगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के डिपॉजिट्स, वाइब्रेशंस। ये जो अल्ट्रासोनिक स्केलर रहता है ये वाइब्रेशंस पैदा करता है और वो वाइब्रेशंस उन डिपॉजिट्स को क्लीन करते हैं। हमारा टूथ सब्सटेंस का बिल्कुल भी लॉस एक अच्छे स्केलर से नहीं होता है। तो प्लीज चेक विद योर डेंटिस्ट दैट डज ही हैव अ गुड अल्ट्रासोनिक स्केलर। इफ ही हैज देन दैट विल कॉज नो डैमेज टू योर टूथ एनामल। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। दूसरी बात ये होती है कि लोगों को लगता है कि क्या ये स्केलिंग कराने से हमारे दांत हिलने लग जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले जब हम गए डेंटिस्ट के पास तब तो हमारे दांत हिलते नहीं थे, जब हमने स्केलिंग कराई तो अब हमारे दांत हिलने लग गए। तो क्या होता है कि हमारे दांतों के ऊपर कुछ डिपॉजिट्स जो रहते हैं, ये डिपॉजिट धीरे धीरे कैल्सीफाई हो जाते हैं, मतलब ये हमारे खाने पीने से सॉल्ट मिनरल्स लेकर के कड़क बन जाते हैं, दांतों के ऊपर एक कड़क कड़क सी लेयर बन जाती है। तो ये जो फॉल्टी लेयर है, अनवांटेड लेयर है डिपॉजिट्स की, जो कैल्सीफाई हो चुकी, कड़क हो चुकी है, ये दांतों को वहां पर पकड़ के रखे हुए है। जब ये क्लीन होगी, जब ये हटेगी, तो जाहिर से बात है कि दांतों की मोबिलिटी या हिलना बढ़ेगा। तो अब क्या हिलना बढ़ेगा, तो करें स्केलिंग या ना करें? तो दोस्तों, स्केलिंग बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि भले ही ये हटाने के बाद दांत थोड़े से हिलने लग जाएं, लेकिन फिर भी ये हटने के बाद बैक्टीरिया का घर जो है, डिपॉजिट्स जो हैं, वो हटने के बाद दांतों के पास फिर भी एक मौका रहेगा कि दोबारा से वो मसूड़ों की पकड़, गम्स की पकड़ दांतों पे बन जाए और वो ग्रिप आ जाए, दांत हमारे धीरे धीरे वापस से स्टेबल हो जाए, एक मौका रहेगा। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ दिन तो अच्छा लग रहा है हमें कि इनकी वजह से, डिपॉजिट्स की वजह से दांत हमारे मजबूत हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मसूड़े दांत को पूरी तरह से छोड़ देंगे, वो दांत बिल्कुल हिल करके बाहर आ जाएगा, फिर हमारे पास कोई मौका नहीं रहेगा कि वो हमारा दांत वापस से मजबूत वहां पर हो पाए। तो इवन इफ यू फील लाइक दैट स्केलिंग हैज लेड टू सम मोबिलिटी इन योर टीथ, स्टिल यू शुड गो फॉर स्केलिंग एंड गेट योर टीथ क्लीन, जस्ट बिकॉज कि ये अनवांटेड मटीरियल दांतों के ऊपर से हटना चाहिए, जिससे कि हमारे दांतों के पास एक मौका रहे कि वो अपनी स्ट्रेंथ दोबारा रिगेन करें। तीसरी चीज ये होती है जो हमारे जहन में आती है, जो लोग सवाल पूछते हैं, वो ये है कि स्केलिंग कराने से क्या सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। पहले तो सेंसिटिविटी नहीं थी, लेकिन जब से स्केलिंग करी है सेंसिटिविटी बढ़ गई है। तो क्या स्केलिंग करें या फिर सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण ना करें? दोस्तों, अगर दांतों के ऊपर डिपॉजिट हैं तो बिल्कुल स्केलिंग करके और डिपॉजिट्स क्लीन करें। ये डिपॉजिट्स अनवांटेड लेयर होती है हमारे दांतों के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने एक जैकेट पहन रखा है, अब वो जैकेट जिस भी दिन हटेगा मेरे ऊपर से, तो थोड़ी ठंडी मुझे ज्यादा लगेगी एनवायरमेंट से। सेम हमारे दांतों का भी ये एक अनवांटेड जैकेट, उस डिपॉजिट का हमारे दांतों के ऊपर चढ़ा हुआ है, जो बैक्टीरिया का घर है, जो अल्टीमेटली हमारे दांतों को खराब कर देगा। दांत हमारे मसूड़े से छूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, हिलने लग जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। तो वो जो डिपॉजिट्स हमारे दांतों पे हैं, उनके कारण हमें बाहर की खाने पीने की चीजों का टेम्परेचर कम फील होता है, परसेप्शन कम होता है। इस वजह से हमें वो हटने के बाद में जब ये परसेप्शन बढ़ जाता है, तो ठंडा गर्म लगना बढ़ गया है ऐसा लगता है। बट ये जो फीलिंग है 100% एक कुछ समय के लिए है, इट इज जस्ट ट्रांजिएंट, ये हमेशा नहीं रहेगी, कुछ दिनों में ऑटोमेटिकली अपने आप 100% ठीक हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम इन डिपॉजिट्स को हटाएंगे तो 100% हमारी डेंटल हाइजीन को और हमारे दांतों की लॉन्जिविटी को फायदा ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। भले ही हमें ये लगे कि हिलने लग गए हैं दांत, या हमें सेंसिटिविटी बढ़ गई है, या ऐसा है, लेकिन 100% लॉन्ग टर्म में यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ द स्केलिंग। सो आई जेन्युइनली एडवाइज यू कि ऑलवेज गेट योर डिपॉजिट्स ओवर द टीथ क्लीन। 6 months में एक बार ये क्लीनिंग एडवाइज्ड है, या एटलीस्ट 6 months में एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए, और अगर स्केलिंग की जरूरत हो, नीड हो, तो वो भी कराना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्केलिंग को लेकर जो कॉमन मिथ्स हमारे माइंड में होते हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे।
still if you feel some doubt in your mind, please do comment in the comment box below. We'll be very happy to answer you. And also you can read more about this at our website, seraphicdental.com. Thank you so much.